जोगाण विभाग हो बा जिला प्रशासन धान किनारे कटनी छटनी लागू करथुवारु ताकु नै चारियाडे जन असंतोष चासी माने विभिन्न जगह आंदोलन करछन्ती आउ एठी सीधा सड़क हल्ला बोल करिछि एठी कृषक निर्माण जो रही ओडिशा नवनिर्माण कृषक संगठन तांको संगठन रो किछि कर्मकर्ता एवं चासी माने आज जिलापालक कार्यालय सम्मुख आछन्ती एवं सीधा सड़क आंदोलन करछन्ती एवं धान बस्ता रखिकिरी जिलापालक कार्यालय करे विक्षोभ करछन्ती तो कहीं भली जो आपण माने कहीं भली असंतोष चाषी मान प्रकृत समस्या बर्तमान कौन आप देखु ए बर्ष बात्या बनिया है ना धान बहुत बढ़िया है तथा तो प्रत्येक मंडी में खोर्धा जिले में उपकूल जिला प्रत्येक क्विंटाल पांच के सात काटुंट आम दीदी थ दायित्व देचु सब कलेक्टर एडीएम एवं कलेक्टर को देलापर तथा तो आज्ञा मंडी काटने चाहिए आज चाषी पेट छुरी मार्च तार विरोध करने आसो काटनी छाती बंद कर से दिन नवीन निवास आसलो आज कलेक्टर अफिस आसचो आसता दिन बड़ शुणनी पशिब आम चेतावनी दौ जो टीम मध्यम ए काटनी छाटनी बंद पाई आज नवीन कृषण ठिया एथर सरकार नियम कर 17% जो धान में 12% ओदा थी 2 KG आज्ञा धूड़ी गोड़ी थी आउ 2 KG अगाड़ी सौ थी पाखे 17% थे धान हो भल धान एफिक धान भल धान एथर आप देखिए आम निजे जा माप देखी मान देखी एथर आज्ञा 5% 6% बाहर मैं 17% को धान है ना बहुत भल धान अच्छी तथा काटने कर मिलर सोसाइट सेक्रेटरी कलेक्टर सब कलेक्टर चाषी धान जो 5 KG साथ काट हजार हजार जो हल उठो बांटी नौ बार बार कहला शुणुना जहाँफल आज धान आनी पकईचु आसन दिन मैं चेतावनी दौर खोर्धा कलेक्टर बासभवन चलने देवु ना और कलेक्टर ताला पकेबो जो काटनी छाती बंद न करेंगे ये लड़े तीव्र आकार रही है खोर्धा पूरा एन एस टू नहीं कि कलेक्टर अफिस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब बंद रही है आज खाली धान अस्त निकाय आसन दिन धान भर सहित षंढ बलद फुदेबू तुमको अचल करदेबू केते चाषी एभली बर्तमान क्षतिग्रस्त होती कारण विभिन्न जगह आम देखु आंदोलन रास्ता रोक हो जिलापाल अन्य विभाग को आपड़ केत थर जनइले संपर्क देखो सब जगार चाषी अवहेलित चाषी ही कष्ट आज्ञा चाषी दुख किए जान चाष तर तर बणिज मठ ये जानते आप ग्रेडिंग सिस्टम देखिए से ग्रेडिंग सिस्टम एमती आपंकर सिस्टम आज्ञा परीक्षा दबा पूर्व फेल चाषी आवितीय कथा आम आज आनी उन्नत मानर जो कौन एफआईक्यू धान परीक्षण करा बस्ता बोझे आनी कलेक्टर पाखे जो ग्रेडिंग करने जो शिक्षित मैंने बस आपंकर से करें देखे था प्रोसेस कौन से जानी था आज्ञा मूलर माइले दिवस ये आज्ञा आमको ओगाड़ी पकेले ये चाषी दाना खाऊँ चाषी को पेटर मार पुणी हिसाब कर चाषी कौटे अवहेल अच्छी चाषी पर एमती मार्च मंडी में से जमी तर तर कर अभावी बिक्री कर धान पचीब ना से धान बस्ता कौटी नहीं कि फोपाड़ ना बाहर जो अच्छा बेपारी दब ये जहाँ खाऊ मार्ची जो एकत्रित होती गोटे प्रकार मायाजाला सृष्टि कला भाया ये चाषी कि बड़ चाषी जो मैंने अच्छा कि गोटे प्रलोभन दे ये मिलर सहित गोटे भल जतिपात संजोग कर चाषी को मार्च आज्ञा आपंकर जिते मीट बसुच्छे कहीं चाषी मानक तो गोटे कमन मीट बसाउ ना आपड़े टोकन सिस्टम दौरान आपंकर जिते मिलर बसुच्च आप सरकारी जो सब चेक करने आसुँच ग्रेडिंग मेसीन सीए बोचान आज्ञा अधा जगार ये बसी युव छात्र नेतृत्व पचारत आज्ञा हलदिया भाया जगार आज्ञा ग्रेडिंग रेसीन ना यहाँ लज्जित कथ कि ना ये धप्पा सरकार आवश्यकता ना जे चाषी खाई चाषी मारूच लेखी चाषी मारणा नीति लिखुचंती से नियम नीति चेंज हबो।
ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଧାନ କିଣିବା କଥା ସବୁ ଚାଷୀଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଯାଉନିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଏଭଳି କାମ କଲେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାଉଛୁ। ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯାହାର ଜମି ପ୍ରକୃତରେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସିଏ ଟୋକନ ପାଇଛି, ବେପାରୀଟା ଟୋକନ ପାଇଛି, ସେ ରାଜନୀତିର ଲୋକଟା ଟୋକନ ପାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଚାଷ କରିଛି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ ପାଇନାହିଁ। ସେ ଧାନ ଜଣକ 1200-1300 ଟଙ୍କା ବାହାର ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯଦି ଡେମୋକ୍ରାସିର ପାଠ ଏ କଲେକ୍ଟର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଲେକ୍ଟର ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିକି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ କଥା ହୁଏ ଆଜି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଗିରଫ ସେ ବାଟ ଉଗାଳିଛନ୍ତି, ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବୁ କେତେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ପୋଲିସ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। କୌଣସି କଲେକ୍ଟରକୁ ତା ଅଫିସରେ ପୁରେଇବାକୁ ଦେବୁନି, ଏ ଅଫିସ ତାଲା ପକେଇବୁ, ମନ୍ତ୍ରୀକି ବି ଚଲେଇବାକୁ ଦେବୁନି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଏଠୁ ନେବୁ, ଆଜି ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଧାନ ପ୍ରକୃତରେ ଏଫେକ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେ ଚାଷୀ ଅଛି ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ ଦେଉଛି, ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ସାମ୍ନାରେ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଆଜି କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ସବୁଠି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଲେ। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି, ନା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା, ଓଟିଭି।